लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, सोते समय गला सूखना हो सकता है खतरनाक। मैं आपको बता रहा हूं एक कारण, किन बीमारियों का हो सकता है कारण। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ लोगों को रात में सोते समय गला सूखने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को बार बार उठकर पानी पीना पड़ता है। इससे व्यक्ति नींद खराब होती है, साथ ही उसको अगले दिन थकान और आलस रहता है। दरअसल सोते समय गला सूखने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। सोने से पहले अत्यधिक शराब का सेवन करना इसका मुख्य वजह हो सकता है, जबकि कुछ लोग खाना खाने के बाद भी पानी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से उनका गला सूख जाता है। इसके अलावा गला सूखने के अन्य कई वजह हो सकते हैं, जिन कारणों से रात में गला सूखने की समस्या हो सकती है। सोते समय गला सूखने की हो सकती हैं ये समस्याएं। मुंह से सांस लेना। कुछ लोग रात को सोते समय मुंह से सांस लेते हैं, ऐसे में उनकी आहार नली में रूखापन होने लगता है, जिसकी वजह से उनको सोते समय प्यास लग सकती है। ये समस्या तब होती है जब व्यक्ति सोते समय नाक से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। ऐसे में उनको मुंह से सांस लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको नींद बार बार खुल जाती है। कुछ लोग दिन भर में पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, इसकी वजह से उनके शरीर में पानी की कमी होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति को रात में नींद के दौरान गला सूखने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको सोने में परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी नींद में खलल पड़ता है। रात के समय शराब का अत्यधिक सेवन करना या किसी काम को करते हुए कॉफी पीना आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। कुछ लोगों की रात को सोने से पहले शराब व कॉफी पीने की आदत होती है, ऐसे में सोते समय गला सूख सकता है। इससे बचने के लिए रात में शराब और कैफीन ना पिए। रात के समय डायबिटीज रोगियों को बार बार प्यास लग सकती है। दरअसल रात के समय ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए शरीर को पानी की जरूरत होती है। कुछ लोगों को डायबिटीज की वजह से बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है, ऐसे में पानी ना पीने के कारण गला सूख सकता है। स्लीप एपनिया में व्यक्ति की नींद में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इससे मरीज का स्लीप पैटर्न प्रभावित होता है। इस दौरान रोगी को नींद में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इस समस्या में कोर्टिसोल की स्तर बढ़ सकता है, इसकी वजह से व्यक्ति को प्यास लग सकती है। इसके अलावा स्लीप एपनिया में व्यक्ति को खर्राटे आते हैं, ऐसे में व्यक्ति का गला सूख सकता है। इसके अलावा कुछ तरह की दवा लेने के चलते भी आपका गला रात के समय सूख सकता है। इस समस्या से बचने के लिए आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, साथ ही समस्या ज्यादा होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब पानी भी मिनिमम 2.5 से 3 लीटर डेली आपको पीना चाहिए। ऐसा नहीं पानी पानी के साथ आप जूस पी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, लिक्विड में जो लेना चाहें आप ले सकते हैं अपने हेल्थ के हिसाब से। मिनिमम 2.5 से 3 लीटर एवरीडे पानी पीना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।